हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरवी नड्डा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही दो इजी यानी सिंपल स्टेप है, जिससे कि हम यूज करने से हमारी स्किन के एकदम से ग्लोइंग बन जाएगी और अलग सा निखार आपको अपने फेस के ऊपर दिखेगा। और अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, वो भी रिमूव हो जाएगी। और साथ ही हमारे जो एजिंग साइंस होते हैं, जैसे फाइन लाइन्स, रिंकल्स और पिगमेंटेशन, तो उनको भी रिमूव करता है और हमारी स्किन को फेयर, ग्लोइंग और यंग बनाए रखने में हेल्प करता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान इजी स्टेप है। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा। और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड और अदर एनी टिप्स जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनके सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए ढेर सारा प्यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए खाली बाउल, और जो फर्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है फ्रेश दही। तो कोशिश कीजिएगा कि आप घर का बना ही दही यूज़ कीजिएगा, मार्केट वाला यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट वालों में मिलावट होती है। और सेकंड चीज़ है हमारी संतरे के छिलके का पाउडर, और जो संतरे के छिलके का पाउडर ये दानेदार होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर एक स्क्रब का काम करेगा। और जो लास्ट एंड थर्ड चीज हम इसमें ऐड करने वाले वो है पपीता। तो मैंने पपीते को अच्छे से मैश कर लिया था, और इन तीनों चीजों को अभी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो भी हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया है, तो भी लीजिए और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिए, और 5 मिनट तक आपने इसे मसाज करना है। इसमें हमने जो संतरे के छिलके का पाउडर का यूज़ किया है, हमारे स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करेगा, हमारी हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो दही है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, लाइट और ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। पपीता जो होता है हमारे स्किन के ऊपर डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारे स्किन सेल्स को रिपेयर करता है, और हमारी स्किन को लाइट, ब्राइट और यंग बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो 5 मिनट की मसाज हो जाने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो ये था हमारा पहला स्टेप, और सेकेंड स्टेप के लिए हमें चाहिए एक खाली बाउल, और फर्स्ट चीज़ है वो है हमारा बेसन, और सेकेंड चीज हम इसमें ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद, और जो थर्ड चीज हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है दही। तो अभी इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए हमारी तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अभी हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी अपनी स्किन के ऊपर इसे भी अप्लाई कर लीजिए, और 5 मिनट तक आपने इसे भी अपने फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करना है। शहद जो होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, हमारा जो नॉर्मल ऑयल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है, हमारे स्किन के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। और जो बेसन का यूज किया है वो हमारे स्किन के ऊपर एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है, हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है, हमारे डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम को, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, और हमारी स्किन को लाइट, ब्राइट और यंग बनाए रखने में हेल्प करता है। तो आपने 5 मिनट अच्छे से अपने फेस के ऊपर मसाज करना है, और 5 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और मुझे अपना फेस पहले से ज्यादा ब्राइट और ग्लोइंग लग रहा है, और आपको इसका रिजल्ट तभी पता चलेंगे जब आप इसे अपने फेस के ऊपर यूज करेंगे। और आप इसे हफ्ते में 3 बार जरूर यूज करिएगा, और आपको इसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइट, टाइट और यंग दिखेगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।